नाम क्या? आशा, तुमको कौन पूछा? इसका अपना नाम मालूम नहीं? क्या नाम है? आशा। आशा, आशा, आशा क्या? बाप का नाम नहीं? आशा सोहनलाल। हाँ, ऐसा बोलो। चलो इधर आओ। बैठो। ए उधर नहीं, ए बाजू आओ। तुम्हारा बाप क्या काम करता है? मिसेस डीसा, इनका बाप बचपन में मर गया था, तभी तो बेचारे को खुद काम करना पड़ता है। हम पूछता है, जब जिंदा था क्या काम करता था, क्या धंधा करता था? बोलो आशा, बोलो। मेरा बाप फर्नीचर। तुम्हारा बाप फर्नीचर? फर्नीचर नहीं मालूम मिसेस डीसा, वो सुतार किला ठोकने वाला किला। शर्म आ गई। इसमें शर्म आने का क्या बात है, हमारा जीजस भी सुतार था। अरे मेहनत आदमी को खुदा का नजीक लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक। तुमको खाना पकाना आता है? बहुत फर्स्ट क्लास खाना पकाती है मिसेस डीसा, तुम खाएगा तो उंगली काट लेगा। तुम चुप रहो ना तो हम तुम्हारा जबान काट लेगा। चलो हमारे साथ किचन में आओ। ऑमलेट कभी खाया? जी हाँ, रोज खाती हूँ। मेरा मतलब है, मालकिन बनवाती है ना, तो बचा खुचा मुझे भी मिल जाता है। बहुत फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनाता है मिसेस डीसा। हम खाया, हम खाया, खाया? हाँ मिसेस डीसा। आज हम खाएगा। लो तोड़ो अंडा, बनाओ ऑमलेट। अरे इधर से उठा कर लाया ये छोकरी को, इसको अंडा तोड़ना भी नहीं आता है। सीख जाएगा मिसेस डीसा, सीख जाएगा। उठा तोड़ना क्या सीखेगा? तुमको कोई बताया नहीं, सब छोकरी लोग को एक दिन शादी बनाना है, एक दिन माँ बनना है। फैशन तो देखो, असली मैम साहब भी शर्मा जाएगा। आशा 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 आशा, तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो, मिसेस डीसा का ये मतलब नहीं था। वही मतलब है, बराबर वही मतलब है, हम जो बोलता है वही मतलब होता है। आशा मिसेस डीसा, आशा ए अनाड़ी, तुम किधर जाता है? वो आशा, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ। आशा, आरती को बुला। अभी जागी नहीं? मैं अभी तक सो रही हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? चाचा जी, हर लड़की को एक दिन बीवी बनना है, माँ बनना है। लड़की को ऐसा होना चाहिए जो घर बना सके, घर की देखभाल कर सके। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम चाचा जी, जब मैंने पूछा तो मुझे भी यही जवाब मिला। अब तो तुम्हारी शादी की भी फिक्र करनी पड़ेगी, मगर तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो जहां जाओगी रानी बनकर रहोगी। तुम्हारी शादी तो किसी लखपति करोड़पति से होगी। हाँ, और वो करोड़पति कोई आपकी तरह होगा जो 24 घंटे पैसों के पीछे भागता फिरेगा। ऐसे करोड़पति से कोई गरीब क्लार्क क्या बुरा है? गरीब क्लार्क में कोई बुराई नहीं, बुराई गरीबी में। ये बेरहम चक्की इंसान और इंसानियत दोनों पीस के रख देती। इस गरीबी ने ही तुम्हारे माता पिता को मुझसे छीना था। उस वक्त मेरे पास एक मुट्ठी भर पैसे भी नहीं थे, और आज मैं वो वक्त लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता। इसलिए मुझे गरीबी से नफरत है। हेलो, क्या कब हुआ ये? मैं अभी आता हूं। चाचा जी, नाश्ता तो करते जाइए। नहीं बेटी, बहुत जरूरी काम है, अभी जाना पड़ेगा, शाम को वापस आ जाऊंगा जल्दी। सुन लिया चाचा जी ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि गरीबी बहुत बुरी होती है, उन्हें गरीबी से नफरत है, और वो गरीब है तुम्हारा पेंटर। मैं तुम्हें अभी कहती हूँ, तुम उसे भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम आपस में कभी मिले थे। दोनों में मेल ही क्या है? तुम कहाँ, वो कहाँ,